सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस सप्ताह के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की भूमिका के अध्ययन में। आप में से कितने लोग पिछली बार उपस्थित थे हमारे सत्र में, हाथ खड़ा करेंगे, जो लास्ट वीक आए थे? ओके, तो जो आए थे उनसे प्रश्न है, कुछ एक बात बताएंगे जो आपने पिछली बार सुनी थी। शुरू हो जाएगी रिविजन, राधिका माता जी शुरू करेंगे। बोलिए, जो लास्ट वीक सुना था उसमें से कुछ एक बात, कोई भी एक बात जो आपको याद है अभी तक। हरे कृष्ण। ओके, हाँ जी, आप थे पिछले वीक? अच्छा जी, कहिए। किचन से संबंधित बहुत सारी बातें हुई थी, नहीं याद? किचन वालों को याद होना चाहिए। तीन तरह के आवाज याद आ रहा है, एक हफ्ता काफी लंबा होता है ना, सब भूल जाते हैं। आप बोले तो सुबह की बात याद नहीं रहती है, कल का एक हफ्ते की बात पूछ रहे हो। हाँ जी, कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे थे। हाँ बताइए संजू जी। वेरी गुड, 3 घंटे से पूर्व पका भोजन क्या है? तामसिक। यस, वेरी गुड, जो अगर भूख लग गया तो वो तामसिक नहीं रहेगा। हाँ जी, मतलब जैसा हमारा आहार रहेगा वैसा हमारा मन। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। क्या कह रहे थे आपने? ये गीता सुनने का मतलब क्या है? जीवन में परिवर्तन लेकर आना। यस, वेरी गुड। कोई लास्ट पॉइंट बोलना चाहे? यस, तो गीता नहीं सुना है हमने। वेरी गुड, चलिए अब आज शुरू करते हैं। अगली बार भी पूछूंगा तो याद रखना। तो हम है पेज नंबर 15 पे, और इस 15वें पेज में हम सेकेंड पैराग्राफ दूसरे परिच्छेद से आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है यह गंतव्य सनातन आकाश। ये प्रथम शब्द है, इनकेस अगर आपका एडिशन गीता का दूसरा है वैसे करना है तो इस पैराग्राफ पे आ जाइए। यह गंतव्य सनातन आकाश। ओके, तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। ये कहां की बात हो रही है? इसके लिए आपको पिछला पैराग्राफ रेफर करना पड़ेगा। तो क्या दिया गया पिछले पैराग्राफ में? कि अगर हम शुद्ध हो जाएंगे तो हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, लक्ष्य को, और वो गंतव्य भौतिक आकाश से परे है, वो आध्यात्मिक जगत है। अब उस गंतव्य के विषय में चर्चा आएगी इस पैराग्राफ में। और क्या कहा गया उस गंतव्य के विषय में? कि यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, तो ये इस संसार के हर पदार्थ का स्वभाव है। क्या है? क्षणिक। किसी की अवधि आयु थोड़ी लंबी हो सकती है, किसी की थोड़ी कम हो सकती है, किसी की बहुत कम हो सकती है, लेकिन है तो क्षणिक। यही संसार के पदार्थों का स्वभाव। यह है, उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, अंत में लुप्त हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। तो जीवन चक्र का क्या अर्थ है? जन्म होना, उत्पत्ति करना, क्षीण होना और फिर लुप्त हो जाना, ये जीवन चक्र है। भौतिक संसार का यही नियम है। क्या नियम है? कि उत्पन्न होगा और
कुछ समय तक बना रहेगा, कुछ उत्पन्न करेगा और फिर लुप्त हो जाएगा। तो ये इस संसार का नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें तो शरीर में भी ऐसा दिखता है, हमें जन्म लेता है, कुछ समय तक बना रहता है, उत्पन्न करता है, क्षीण होने लगता है और फिर नष्ट हो जाता है। तो चाहे इस शरीर का दृष्टांत लें या फल, फल भी ऐसा ही है, किसी वृक्ष पे, किसी बेल पे, फल की भी स्थिति देखेंगे तो इसी चक्र से फल भी गुजरता है, या किसी अन्य वस्तु का। किंतु क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है। तो आप कहेंगे कैसे मान लें इस बात, दिखाई तो देता नहीं, तो माने कैसे इस बात को। तो गीता के 15वें अध्याय में इस विषय में चर्चा आएगी, जब भगवान कहेंगे कि ऊर्ध मूलम अधम शाखा, जिसका मतलब होगा कि जैसे किसी तालाब, जलाशय के किनारे, नदी के किनारे कोई पेड़ लगाओ, और अगर आप जलाशय में पेड़ का प्रतिबिंब देखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा दिखता है, जड़ ऊपर और शाखा नीचे, उल्टा दिखता है। तो उसी तरह से इस 15वें अध्याय गीता में भगवान कहेंगे कि ये भौतिक जगत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का, इसलिए यहां पर सब कुछ क्या है, सब कुछ उल्टा प्रतिबिंब है। तो उस संसार में अन्य प्रकृति है और वो क्या है, सनातन। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है। गुणात्मक क्या होगा, यहां पे गुणों में, गुण की दृष्टि से हम भगवान से एक हैं। सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव। अतएव गीता का सार, सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है। तो सनातन धर्म क्या हुआ, जो सनातन जीव और सनातन भगवान के बीच में संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या है, सनातन जीव सनातन भगवान के बीच में संबंध को स्थापित करने की विधि, ये सनातन धर्म। जैसे सनातन क्यों, क्या भगवान सनातन है, सनातन का अर्थ समझते हैं कि नहीं, जो हमेशा रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, सनातन। तो क्षणिक शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, सनातन। तो भगवान सनातन है, जीव भी सनातन है, उनका धाम भी सनातन है, उनके बीच का संबंध भी सनातन है, इसलिए सनातन धर्म। समझते हैं बात को, तो अतः गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है, शाश्वत वृत्ति। हम स्थाई रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं अस्थाई रूप से, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए। तो क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लेना। तो क्षणिक कर्म क्या है, जो भी हमने इस भौतिक जगत में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्मों में अपने आप को लगाया वो क्या कहलाते हैं, क्षणिक कर्म। और परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्म क्या है, उसे कहते हैं अकर्म। अकर्म क्या है, यानी कि वो कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उन्हें
अकर्म कहते हैं और ये परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्म होते हैं। तो कर्म और अकर्म में भेद क्या हुआ? कर्म का नियम क्या कहता है? हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है। तो अकर्म का नियम कहता है प्रतिक्रिया नहीं है, कर्म की प्रतिक्रिया है और अकर्म की प्रतिक्रिया नहीं। अब कर्म की प्रतिक्रिया कहां मिलती है हमें? कहां मिलेगी? भौतिक जगत में। अब भौतिक जगत में रहने के लिए हमें क्या सुविधा चाहिए? सनातन जीव को भौतिक जगत में रहने के लिए क्या सुविधा चाहिए? सबसे पहले भौतिक शरीर, ठीक है? तो भौतिक शरीर भौतिक जगत में रहने के लिए सुविधा चाहिए हमें, अन्यथा भौतिक जगत में कैसे रहेंगे बिना भौतिक शरीर के? तो ये भौतिक शरीर किस लिए दिया गया है? हमारे कर्म की प्रतिक्रियाओं को भोगने के लिए। जैसे जेल में कैदी को एक ड्रेस पहनाई जाती, क्यों पहनाई जाती? जानने के लिए कि ये कैदी है, ये कोई जेल का अधिकारी नहीं है। अब कैदी की ड्रेस पहनने के बाद कैदी के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? कठोर कठोर व्यवहार किया जाएगा उसके साथ, उसे सुधारने के लिए। उसी प्रकार से ये भौतिक शरीर मिलने के बाद अब कैसा व्यवहार होता है हमारे साथ? कठोर कठोर व्यवहार होता है। तो भौतिक जगत में रहने के लिए हमें भौतिक शरीर चाहिए। अब ये कैसे मिला? कर्मों की प्रतिक्रिया के कारण। अब कर्म किए बगैर तो रह नहीं सकते, कर्म तो करना ही होगा, लेकिन ऐसा कर्म करें जिसकी प्रतिक्रिया हम तक ना आए। और वो कर्म क्या कहलाते हैं जिनकी प्रतिक्रिया हम तक नहीं आती? उसे अकर्म कहते हैं या फिर भक्ति कर्म कहते हैं। अकर्म व भक्ति कर्म एक ही है। तो अकर्म की प्रतिक्रिया हम तक नहीं पहुंचती। जैसे क्या हम खाए बगैर रह सकते हैं? क्या कहते हैं आप? कोई ऐसा साधु आप? सबको खाने के लिए चाहिए, कुछ तो चाहिए। लेकिन आप खाएं और भगवान को अगर भोग लगाकर खाएं तो वो कर्म क्या बन गया? अकर्म बन गया। भगवान को भोग लगाना अकर्म हो गया। अन्यथा अगर बिना भोग लगाए खाएंगे तो क्या होगा? कर्म। यानी कि आपने फल काटा, सब्जी काटी, जीव हत्या हो गई, अब ये कर्म हो गया। अब भगवान को भोग लगा दिया तो क्या हो गया? अकर्म बन गया। अब इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, लेकिन कर्म का बंधन नहीं बढ़ेगा। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, कर्म का बंधन नहीं बढ़ेगा इससे। तो इस प्रकार से अगर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लिया जाए तो क्या होगा? हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे और यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। तो शुद्ध जीवन की परिभाषा क्या है? यानी शुद्ध कर्म करना, शुद्ध कर्म करना। अगले परिचय में जाते हैं। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। सार्थकता शब्द का क्या अर्थ है? पूर्णता, सार्थकता, मतलब जिसके लिए बना है उसके लिए उपयोग करने को क्या बोलते हैं? सार्थकता। तो क्या सार्थकता है? कि सनातन धाम में, भगवान के धाम में, परमेश्वर और जीव की संयुक्त संगति, कि जीव को भगवान की, भगवान के धाम में संगति प्राप्त हो, ये मानव जीवन की क्या है? सार। इसका अर्थ हुआ मानव जीवन बनाया गया किस लिए?
भगवत नाम जाने के लिए बना। अगर मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए? पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे जी? वीजा लगाएंगे जी। और वीजा लगाएंगे तो कुछ पैसा वैसा इकट्ठा करेंगे जाने के लिए कि ऐसे चले जाएंगे बिना पैसे के? कुछ पैसा भी लेकर जाएंगे। तो वीजा लगाएंगे तो वीजा लगाने के लिए कुछ अमेरिका देश की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती होंगी कि इस व्यक्ति को वीजा देंगे इसको नहीं देंगे, ऐसा भी होता होगा। कुछ कुछ वो आवश्यकताएं मांगते होंगे कि इनके बैंक बैलेंस में इतना पैसा होना चाहिए तभी हमारे देश में आना। कहीं पता चला हमारे देश में आके बोझ बन जाओ, बोलो हमारे पास तो खाने पीने को नहीं, हमें अपने पास ही रखो। तो कुछ आवश्यकता भी पूरी करनी पड़ेगी उनके देश की आपको, उनके देश की भाषा भी आनी चाहिए। बोलेंगे हमारे यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, लोग समझेंगे क्या? कुछ कुछ आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी। अब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा, भगवान के धाम जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्या कहते हैं आप? कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ना। अब आप पढ़ रहे हैं कि मानव जीवन की सार्थकता है सनातन धाम में परमेश्वर की संयुक्त संगति प्राप्त करना। क्या हम तैयारी कर रहे हैं? इसका मतलब हम मानव जीवन की सार्थकता के लिए काम, अगर हम उस तैयारी पर नहीं काम कर रहे तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है जानना। तो आप कहें नहीं मैं तो बहुत बिजी हूं अपनी लाइफ में, मेरे जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां। अच्छा बताइए ये संसार की जिम्मेदारियां कब तक रहेंगी आपके पास? जब तक ये शरीर है ना तभी तक तो रहेंगी। अच्छा यहां पर जीवात्मा को क्या कहा जा रहा है? शनि की सनातन सना जीवात्मा, जीवात्मा शनि कैसे होंगे या अपने लेबोरेटरी में बनाएंगे तो जीव कहां मरता? आत्मा का कोई मृत्यु होती है क्या? तो फिर जीव सनातन हुआ ना, तो जीव सनातन है ठीक है। और शरीर क्या है? क्षणिक है ठीक है। जीव सनातन है, शरीर क्षणिक है। शरीर नष्ट हो गया और सनातन जीव क्या हुआ? मरा कि अगले जीवन में चला गया, अगले शरीर में चला गया। तो आप कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं अपनी लाइफ में ठीक है, लेकिन आप अगर मान लीजिए यमराज जी आपके सामने आए और आप बोले यमुना जी मैं बहुत बिजी हूँ बाद में आना, तो यमुना जी क्या बोलेंगे? ओके ठीक है बाद में आना, थोड़ा सा बोलेगा अभी मेरे पास टाइम नहीं आपसे मीटिंग करने के लिए, बाद में आएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। एक बार ऐसा ही हुआ, एक जगह पर एक वैश्या और एक ब्राह्मण का घर आमने सामने था। तो ब्राह्मण रोज सुबह उठकर आरती करता, भगवान की नाम जाप करता, तिलक धारण करता, तुलसी आरती करता, तुलसी जल देता, पवित्र कार्य करता। और वैश्या अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती। तो वैश्या ब्राह्मण को देखती थी कितना पवित्र जीवन जीता है, काश मेरे भाग्य में भी ऐसा जीवन होता तो। और ब्राह्मण वैश्य को देखता था घर में कौन आता जाता है रोज। तो एक दिन यमदूत आए और वो ब्राह्मण के घर पे दरवाजा खटखटा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा अरे तुम लोग इधर क्यों आए हो? सामने वाले घर पे जाना, तुमको गलत एड्रेस पे आ गए, उधर जाओ। तो यमदूत बोले ऐसा कैसे होता है, हमने तो कभी गलती नहीं करी आज तक, जो एड्रेस बताया था हम तो वही जाते हैं। बोला नहीं नहीं तुम गलत एड्रेस आए, सामने वाले घर पे जाओ। तो यमदूत गए यमराज जी के पास, बोले वो हमको बोलता है आपने गलत एड्रेस पर लेकर आए हो, आप हमको वापस भेज रहे हैं। तो यमराज जी का नहीं तुम सही एड्रेस पे गए थे, ब्राह्मण को इधर लेकर आओ। तो ब्राह्मण को जब लेकर गए तो ब्राह्मण ने कहा अरे वैश्य को लेकर आना चाहिए था। तो यमराज जी ने कहा वो तो भगवान के धाम जाएगी। तो यमराज जी से उसने पूछा अरे ऐसा क्यों? बोला क्योंकि वो आपको देख के भगवान का स्मरण करती है और आप उसको देखकर इसका स्मरण करते हो, ठीक है कि नहीं?
तो उसी तरह से हम ये पूरा जीवन जिए, व्यस्त रहे अनेक कामों में, जब मृत्यु आएगी तो क्या कहेंगे कि मैं बिजी था, मुझे दुकान से आने के लिए टाइम नहीं मिला, मुझे फैक्ट्री बंद करने को टाइम नहीं मिला, मैं सारा दिन अपने घर के काम में लगा रहा, मैं स्कूल कॉलेज में लगा रहा, मैं अपने ऑफिस में लगा रहा। तो क्या आप मृत्यु को ये बात बोल पाओगे कि मेरी घर की जिम्मेदारियां इतनी सारी थी, मैं उसे निभाने में इतना पूरा जीवन व्यस्त रहा, क्या करूं मैं? यानी कि आप जिस परिस्थिति में हो उसके साथ साथ आपको टाइम मैनेज करना होगा। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो अपने विद्या अध्ययन के साथ साथ जीवन की सार्थकता के लिए आपको समय निकालना होगा। अगर आप एक गृहिणी हो तो आपको घर के काम के साथ साथ जीवन की सार्थकता के लिए समय निकालना होगा। अगर आप एक व्यवसायी हो तो उसके लिए आपको साथ साथ समय निकालना होगा, क्योंकि ये जीवन हमेशा नहीं चलेगा। ये चाबी वाले खिलौने की तरह है। चाबी वाला खिलौना देखा आपने, चाबी खत्म, खिलौना रुक जाता है। तो हमारी भी चाबी भरी हुई है, चल रही है। कभी तो रुक जाएगी चाबी भी, और फिर खिलौना रुक जाएगा, जिधर भी होंगे ऐसा बैठ जाएगा। कोई आंखें खोल के, कोई आंखें बंद करके, कोई कैसे कैसे है। तो इसीलिए वो चाबी पहले खत्म होने से पहले ही इस जीवन की सार्थकता के लिए काम करना होगा आपको नियमित रूप से। ये मानव जीवन का है लक्ष्य। अब माने चाहे आप इस संसार में अपने कर्मों से अपने परिवार को, अपने घर को, सबको खुश कर भी लो, आप पूरी दुनिया को खुश कर लो अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से, लेकिन आप जीवन की सार्थकता के लिए अगर काम ना करो तो क्या वो कुछ लाभ देगा? हर व्यक्ति आपके व्यवहार से बहुत खुश होते, वो कितने अच्छे हैं ना, सबको खुश करके रखते हैं, जो काम को वो समय पे कर देते हैं, सबके मन की बात पूरी कर देते हैं, सबको सहयोग करते हैं, किसी को ना नहीं कहते, लेकिन इतना काफी नहीं है। इतना काफी नहीं, हमें जीवन की सार्थकता को याद रखना। एक ऋषि थे जिनका क्या नाम था, लोमस। लोम शब्द का क्या अर्थ है, बाल। बाल होता है मेरी दुनिया के, बाल। लोमस, उनके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे। और उनके वरदान, जब तक उनके शरीर के सारे बाल नहीं गिर जाएंगे उनको मृत्यु नहीं आएगी। और एक दिन वो साधना कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, धूप पे बैठे हुए, इंद्र ने देखा और तो बोला, लोमस ऋषि धूप में बैठे साधना करते हैं, भजन करते हैं। तो उन्होंने कहा, आपके लिए एक भजन कुटीर बना देते हैं जहां बैठकर आप भजन कर सके। तो लोमस ऋषि कहते हैं, इंद्र जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब उनके वरदान में उनका जो एक बाल था, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बाल गिरता था, ब्रह्मा जी के दिन मानो 14 मनमंत्र होते हैं, एक मनमंत्र में 71 चतुर्युग होते हैं, एक चतुर्युग में 43,20,000 साल होते हैं। तो पूरे एक दिन में एक बाल गिरता था और पूरा शरीर बाल से भरा था। और क्या कह रहे थे, जीवन बहुत छोटा है,
हमें क्या कहना चाहिए? है ही नहीं शायद उनकी दृष्टि में, अस्तित्व ही नहीं है हमारे जीवन का शायद, अगर उनकी दृष्टि से देखेंगे तो। ये है जीवन की सार्थकता, इसे जीवन की सार्थकता को पाना कहते हैं। इसीलिए चाणक्य पंडित ने कहा नीति शास्त्र में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी आप जीवन का एक पल वापस नहीं ला सकते। एक पल से करोड़ों रुपए तो कमा सकते हैं ना, ये मैं लॉटरी खरीदा ना, एक पल में करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपया देकर एक पल नहीं ला सकते। इसका मतलब समय मूल्यवान है और ये मिला है उस काम को करने के लिए जो आप सिर्फ मानव जीवन में ही कर सकते हो और जो आपके साथ जन्म जन्मांतरों तक चलता जाएगा। आपके इस आयु की अवधि के समाप्त होने पर अंत नहीं हो जाएगा। तो ये है मानव जीवन की सार्थकता। आगे पढ़े, भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। आप कहेंगे कैसे? ये जो सुविधा इस भौतिक सृष्टि में दी गई है ये भगवान के द्वारा बना के दी गई। आप यहां आए अपने घर से तो क्या आपको चिंता करनी पड़ेगी जहां हम जा रहे हैं वह ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी? चिंता की किसी ने? कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के नहीं? आप किधर भी जाते हो ऑक्सीजन मिलता है? जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन होता है हर स्थान। इस भौतिक प्रकृति को भगवान ने ऐसा बनाया कि आपके जीवन यापन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उपलब्ध है। यह है भगवान की दया। हम भगवान को छोड़ के इस भौतिक जगत में आए हैं लेकिन भगवान ने फिर भी हमारे लिए व्यवस्था की है। यह है उनकी दया। और फिर भगवान चाहे तो भाई ये मुझे छोड़कर आए ना, अब मैंने मरने दूंगा, लेकिन फिर भी वो अपने पास हमको बुलाने के लिए व्यवस्था भी देते हैं। जैसे ये भगवद गीता भी है, भक्ति की विधि, भक्तगण, ऐसे स्थान जहां आप भगवान के बारे में जान सकें, उनसे प्रेम कर सकें, उनकी सेवा कर सकें आदि, ये भगवान की दया है। क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। तो क्या संबंध है? जैसे एक माता पिता का संबंध है संतान से, वैसे भगवान का संबंध है हम सब जीवों से। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रद पिता, मैं सबका पिता हूं। सबका मतलब 84 लाख, तभी तो आया शब्द सर्व योनिषु। ऐसा तो लिखा हिंदू योनिष, मेरी तो हिंदू योनिष, क्या लिखा है सर्व योनिषु, मतलब 84 लाख योनिया। सिर्फ मनुष्यों की बात ही नहीं कर रहे, 84 लाख योनियों में भगवान क्या कहते हैं अहम बीज प्रद पिता। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कहता है भगवान का नाम अल्लाह है तो उसके पिता कौन है? मतलब जो कहता है भगवान अल्लाह है या जो कहते हैं भगवान फादर है वो किसको रेफर कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं सर्व योनिषु कहते हैं बीज प्रद। अब बीज प्रद पिता के नाम अलग अलग हैं, कोई उन्हें किस नाम से बुला रहा है, कोई उन्हें किस नाम से बुला रहा है, लेकिन बुला तो एक ही को रहे हैं।
इसलिए सब शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान कितने कितने एक ही है, तो झगड़ा क्यों? तो एक ही तो है, उन्हीं की तो बात कर रहे हैं सभी, तो अलग अलग नामों से तो पुकार रहे हैं। तो क्योंकि उनके अनेक नाम है, उनके नाम उनके गुणों पर आधारित है, तो जब उनके नाम उनके गुणों पर आधारित हैं तो फिर विवाद किस बात का है कि नहीं मेरे वाला नाम ज्यादा अच्छा है, ऐसा कि मेरे वाले भगवान का नाम ज्यादा अच्छा, तुम्हारे वाला नाम अच्छा नहीं है, ऐसा ये विवाद है ना, समझ अज्ञानता का विवाद है। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं। तो ये जो 84 लाख योनियां हैं ये किस आधार पे बनाई जाती हैं? क्या लिखा है यहां? अपने अपने कर्मों के अनुसार। अतुल जी ये जो कपड़े होते हैं ये अलग अलग वैरायटी के आते हैं क्या? हाँ? कपड़े का जो कॉस्ट होता है वो अलग अलग दाम होता है, तो कोई सस्ता होता है, कोई मध्यम होता है, कोई बहुत महंगा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो कोई किस प्रकार का कपड़ा खरीदेगा ये किस बात पे निर्भर करता है? जितना दाम वो देगा इस बात पे ना। तो जितना कर्मों का दाम देंगे आप वैसा कपड़ा पहनेंगे। जैसे जितने कर्मों का प्राइस दोगे वैसा 84 लाख कपड़ों में से एक कपड़ा। तो मतलब किसी गारमेंट स्टोर में गए हैं वहां 84 लाख वैरायटी के गारमेंट लगे, कौन सा खरीद पाओगे? जितना कर्मों का प्राइस हो गया। कैसे निर्धारित होता है कौन कौन सी योनि में जाएगा, ये कैसे निर्धारित होता है? हमारे कर्मों के दाम पर निर्धारित होता है, जितना कर्मों का दाम देंगे। तो वर्तमान समय में अगर हम शिकायत करें क्या मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, तो ये शिकायत हमें किससे करनी चाहिए? अपने आप से अपने आप से करनी होगी ये शिकायत। हमने खुद निर्धारित किया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो क्या आप अपना भविष्य बदल सकते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं हम आप? भविष्य, वर्तमान नहीं कह रहे, भविष्य बदल सकते हैं? कर्मों से, भक्ति कर्मों से। तो आपका भाग्य किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में। लेकिन यहां पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। तो चाहे कोई कुत्ते की योनि में है, कोई मच्छर की योनि में है, उसके पिता कौन है? तो क्या हमें अधिकार है पशुओं को मारने का? बाप बताइए, नहीं। तो अतः एव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान हमारे बीच में क्यों आते हैं, क्या बताया जा रहा है? हमें भगवान जन्म लेते हैं कि नहीं? हम बोलते हैं जन्माष्टमी, बोलते मतलब भगवान ने जन्म लिया। तो भगवान जन्म लेते हैं हमारे जन्म को रोकने के लिए, हमारे जन्म को रोकने के लिए भगवान जन्म ले लेते हैं। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। अब हम जन्म क्यों लेते हैं? कर्मों को भोगने के लिए। फिर भगवान जन्म क्यों लेते हैं? क्या वो भी कोई कर्म करते हैं? तो हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों को भोगने के लिए, लेकिन भगवान बाध्य नहीं है, वो घूमने के लिए आते हैं। और उनके घूमने के लिए आते हैं तो हमारा लाभ हो जाता है। जैसे कभी कभी कोई मंत्री, कोई बड़ा नेता या प्रधानमंत्री
जेल में कैदियों को देखने जाए, है ना। अब एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जेल में जाना और एक अपराधी का जेल में जाना क्या एक समान है? एक समान। उसी तरह से भगवान का इस जगत में आना और हमारा इस जगत में आना एक समान है, दोनों अलग अलग। तो भगवान अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं हमारे जन्म को रोकने के लिए कि दोबारा हम इस मृत्यु लोक में जन्म ना लें, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों पार्षदों आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान देखिए 5000 साल पहले भगवान कृष्ण, ये गीता कितने साल पहले बोली गई? 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले द्वापर युग का अंत होने जा रहा था, तब भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। तो 5000 वर्ष पूर्व अनुमानतः भगवान आए और कितने वर्ष रहे? लगभग 125, कोई कहता 27, 25 चले मान लिया, ठीक है 25 मानते हैं। लेकिन जितने जीवों को वो ले जा सकते थे अपने साथ ले गए, लेकिन कुछ हमारे जैसे भी थे ना जो नहीं गए उनके साथ। अब हमारे जैसों को ले जाने के लिए वो क्या करते हैं? अपने भक्तों को हमारे बीच में भेजते हैं। जो नहीं जाते उनको ले जाने के लिए अपने भक्तों को हमारे बीच में भेजते हैं, अपने संदेश को हमारे बीच में भेजते हैं, ताकि हम उनके साथ जाएं। तो इसका मतलब हम भूले हैं ना भगवान को, लेकिन भगवान हमें हम तो भूल गए हमें। जैसे बच्चा माता पिता को भूल सकता है, लेकिन क्या माता पिता बच्चे को भूलते हैं? नहीं भूलते। उसी तरह से हम भगवान को भले भूले हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं भूले हैं। वो इसीलिए तो भेज रहे हैं अपने प्रतिनिधियों को, अन्यथा क्यों भेजेंगे? अगर हम किसी की चिंता करते हैं तभी तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं ना। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। सांप्रदायिक समझते हैं क्या मतलब? ये सनातन है, मतलब आत्मा का धर्म है, और आत्मा के धर्म का हमारी जाति हमारे जन्म से कोई लेना देना नहीं है। ये आत्मा का धर्म है। तो आत्मा का धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना। प्रभुपाद जी से पूछा गया एक बार प्रश्न, प्रभुपाद जी कौन सा धर्म सबसे अच्छा है? पापा जी ने कहा जो धर्म भगवान से प्रेम करना सिखाए वो धर्म अच्छा। अब कई धर्म ऐसे जहां भगवान का परिचय नहीं दे रहे आजकल लोग, वो कहते हैं कि जो गुरु है वही भगवान है। भगवान का अब गीता जरूर बोलेंगे, लेकिन गीता बोलते वक्त भी भगवान का परिचय नहीं देंगे। इस हद तक कहेंगे कि वो कृष्ण जिन्होंने गीता दी और वो कृष्ण जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में थे वो अलग अलग है। लेकिन महाभारत भगवत गीता पढ़ने से ऐसा कुछ आपको भेद नहीं लगेगा। इसका मतलब वही धर्म अच्छा है जो हमें भगवान से प्रेम करना से। इसलिए सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का कोई सूचक नहीं है। ये तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म का सूचक है, नित्य भगवान के लिए किए जाने वाले नित्य कर्मों का सूचक। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म को बताता है।
श्रीपाद रामानुज रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की कि वह जिसका ना आदि है और ना अंत है। सनातन ना तो आरंभ है और ना अंत है, इसे क्या कहेंगे? सनातन। तो भगवान क्या हुए? सनातन हुए कि नहीं हुए? क्योंकि आरंभ और अंत नहीं है ना। जीव सनातन हुआ कि नहीं हुआ, क्या कहते हैं? और इन दोनों के संबंध की पद्धति भी तो सनातन ही हुई ना, जिसे सनातन धर्म कहा गया। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका ना आदि है और ना अंत। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। तो धर्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? लेकिन ये नहीं, रिलीजन और धर्म अलग अलग है, ये इसका सही अनुवाद नहीं होगा। अभी समझाएंगे प्रभुपाद जी कैसे। रिलीजन का मतलब है विश्वास। रिलीजन का क्या मतलब है? अब आप एक बात बताइए, क्या विश्वास बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है, लेकिन सनातन धर्म में बदला जा सकता है। इसका मतलब धर्म रिलीजन अलग है। विश्वास बदल सकते हैं आप, लेकिन सनातन धर्म नहीं बदल सकते। सनातन धर्म का मतलब भगवान से प्रेम करने की पद्धति, वो कैसे बदलेगी? विश्वास ही तो बदला जा सकता है। तो रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। अब आप समझ पाए? अब आगे उदाहरण देंगे। जल से उसकी तरलता विलग नहीं की जा सकती। अच्छा बताओ, जल को जमा दो तो क्या बन जाता है? जल को सुखा दो तो क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। लेकिन जब तरल होगा तो क्या होगा? तो जल की तरलता एक ऐसा गुण है जो जल से अलग, ये इसका सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म का मतलब क्या हुआ? ऐसा गुण जो बदला ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? जो बदला ना जा सके। जैसे जल का तरलता उदाहरण दिया गया है। अग्नि का ऐसा गुण जो बदला नहीं जा सकता वो क्या है? उष्मा, वो प्रकाश। उसी प्रकार से जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता और सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत है। जिसका आदि व अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि हमें उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। कौन कहेंगे सनातन धर्म को सांप्रदायिक? जो खुद सांप्रदायिक थे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। तो ये ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है, विश्व के समस्त लोगों की तो बात छोड़ दीजिए आप, इस स्तर पर प्रगत है। तो इस सनातन संबंध को भगवान के साथ आप जागृत करने की विधि क्या है? इस कलयुग में कलो तत हरि कीर्तना,
जैसे चार युग सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलयुग। सत्ययुग में भगवान के साथ अपने सनातन धर्म को स्थापित करने की विधि क्या थी? ध्यान, ध्यान लगाया जाता, मेडिटेशन हजारों सालों तक किया जाता। सत्ययुग में आपको पता है किसी को कितना आयु था मनुष्य का एवरेज? यस ठीक है ना, 1,00,000 साल। तो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 सालों तक तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। त्रेता युग आया तो अब भगवान को पाने की विधि क्या थी? यज्ञ ही यज्ञ किया जाता था। तो विश्वामित्र ऋषि भगवान दशरथ महाराज जी के पास भगवान रामचंद्र जी को लेने किस लिए आए थे? कि खर दूषण नाम के असुर क्या कर रहे थे? यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे ना। अब यही विश्वामित्र ऋषि सत्ययुग में क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? मेनका ने आकर क्या भंग किया था? हाँ, ध्यान भंग किया था। अब वही विश्वामित्र ऋषि सत्ययुग में ध्यान लगा रहे थे, त्रेता युग में क्या कर रहे थे? युग बदला और विधि भी, यानी कि हर युग की एक विधि है। जैसे आप अमेरिका जाओ तो क्या भारतीय रुपया का चलता है वहां पर? क्या चलता है वहां? डॉलर। रशिया जाओ तो क्या चलता है? रूबल चलता है। जापान में क्या चलता है? येन चलता है। जर्मनी में क्या चलता है? यूरो। और भारत में क्या चलता है? भारतीय रुपए। अब अमेरिका में भारतीय रुपए लेकर जाओ तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सचेंज करना पड़ेगा रुपए को, किसमें? डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ेगा। उसी तरह से आपको जिस युग में आएंगे उस युग की विधि को अपनाना पड़ेगा। मतलब पिछले युग की विधि अगले युग में एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो सत्ययुग की विधि क्या थी? ध्यान। त्रेता युग में क्या विधि हो गई? अब द्वापर युग आया और इसमें क्या विधि थी? अर्चना। मंदिरों में अर्चना की पद्धति द्वापर युग में पहली बार आरंभ हुई थी। और हम कौन से युग में? अब कौन सी विधि चलती है? कलो तद हरि कीर्तनात्, भगवान के पवित्र नामों का जाप व कीर्तन किया जाता है। आप जिस युग में है ना उस युग की विधि को अपनाना पड़ेगा आपको। और तब ये सनातन संबंध की जागृति की जा सकती है। तो इस कलयुग में ध्यान काम नहीं करेगा, यज्ञ काम नहीं करेगा, अर्चना काम नहीं करेगी। इस कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन काम करेगा। क्यों? आयु बहुत छोटी है। कितनी? 100 नहीं रही ना। 100 कोई जीता है तो अखबारों में आता है ये 100 साल जी गए। देखो 100वां बर्थडे मनाया इन्होंने अपना, वो न्यूज़पेपर में आएगा। आयु दिन प्रतिदिन कम होती है, कम हो रही है। कलयुग में शुद्धता के स्टैंडर्ड्स भी नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं। यज्ञ करने जाओ तो शुद्ध घी भी नहीं, शुद्ध सामग्री भी नहीं, और ऐसे ब्राह्मण भी नहीं जो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर सके। ध्यान लगाने बैठो तो जानते हो क्या होता है? ध्यान योग निद्रा योग में बदल जाता है। तो ये हमारी स्थिति है, अभी क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? इसीलिए विधि दी है भगवान के पवित्र नामों का, और इससे हम अपने सनातन संबंध को जागृत कर पाते हैं। यही विराम देते हैं। आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा आज के विषय से संबंधित हो तो पूछ सकते हैं। जी कहिए। मतलब अलग है रिलीजन का।
तो इनका प्रश्न है कि गीता के अंत में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसका अंग्रेजी अनुवाद दिया है अबंडन ऑल रिलीजन। तो यहां पे रिलीजन शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रश्न किया आपने। यहां पे रिलीजन व धर्म शब्द का अर्थ है हमारे मन घड़त तरीके व हमारे रीति रिवाज व हमारी औपचारिकताएं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय क्यों ना हो, किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, इन सब को यहां धर्म कहा गया है। यानी कि ये सब भगवान से प्रेम करने में बाधा है कि नहीं, रीति रिवाज बाधा बन जाते हैं। अब उनमें इतना फंस जाते हैं, उद्देश्य भूल जाते हैं, कई बार परिवार बाधा बन जाता है, कई बार शरीर का भरण पोषण बाधा बन जाता है, कई बार हमारी भौतिक संसारिक कर्तव्य बाधा बन जाते हैं। तो ये यहां पे रिलीजन और धर्म का अभिप्राय है। वो सब चीजें जो भगवान से प्रेम करने में आपको अवरोध दें, भगवान कहते हैं वो सब त्याग दो। ठीक है, अब देखिए संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के कई अभिप्राय हैं, लेकिन जो हमारा समझ है वो ये है कि हमें कंटेक्स्ट को देखना होगा। कंटेक्स्ट का मतलब है परिस्थिति को। अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि गीता के वक्ता भगवान कृष्ण है। पूरी भगवत गीता में जैसे चलिए इस शब्द को आपने कहा कि मेरी शरण में जाओ, तो मेरी शरण में जाओ तो मतलब शरण तो मेरी ही लेनी है ना, चाहे जाओ या आओ लेनी तो शरण मेरी ही है। और वो है कौन जो ये कह रहा है, माम, माम शब्द जिसको रेफर करता है। अभी आप ब्रज को छोड़ दें, माम शब्द की बात करें, हाँ कृष्ण के वक्त है, तो फिर विरोध किस बात का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता इसमें। माम शब्द को देखें ना, माम एकम, एकमात्र मेरी, तो गीता का वक्ता बोल रहा है और गीता का वक्ता तो कृष्ण है, तो फिर ये कहां से आ गई बात। अब उनको बोलिए माम शब्द का अर्थ बताइए हमें, ये तो फिर हमारा अनुमान हो गया ना, ये तो हमारा अनुमान हो गया, तो अनुमान से तो नहीं जाना जा सकता कृष्ण के अंदर कोई आ गया था। पता ही ऐसे बोलने वाले के अंदर कोई आ गया जो इतना ठीक है, मन गड़त सरल है कितना, लेकिन उसको इतना घुमा के क्यों समझा जाए। हाँ जी, क्योंकि स्वतंत्रता है, आता नहीं का मतलब है कि आने की जरूरत नहीं है। तो जी ये गलती दोबारा भी कर सकते हैं। हाँ, एक बार मार खाते तो थोड़ा एक बार जैसे हाथ जल जाए कुकिंग करते वक्त, तो दोबारा सावधान रहते कि नहीं, तो वही हालत है। तो मार अच्छे से पड़ गई तो जब इतना पिटाई खा के जब जाएंगे वापस, तो फिर गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो भगवान के साथ जोड़ के मदद करनी चाहिए, जैसे किसी भूखे को भोजन खिलाना है तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद खिलाइए, तो पेट भी भरेगा और पुण्य भक्ति का भी जाएगा। मदद को भगवान की भक्ति के साथ जोड़ना चाहिए,
सिर्फ शारीरिक मदद ही नहीं होनी चाहिए, उनको अपने कर्मों को बदलने का ज्ञान भी देना चाहिए। अब मदद की भी एक सीमा होती है ना, आप किस हद तक जा सकते हैं मदद करके। लेकिन अगर आप उन्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दें तो वह अपने आप सबको जुटा पाएंगे ना। तो इसीलिए अगर हम लोगों को मदद दें, कई बार ऐसा होता है कि वो इसको अपने आलस की पूर्ति का तरीका बना लेते हैं, आलसी बने रहते हैं, उन्हें पता मदद तो मिल ही जाएगी। जैसे मैं कल ही वार्ता कर रहा था एक परिवार से, तो वो कह रहे थे कि उनके परिवार में एक सदस्य है और वो व्यस्त है, उसका उसका उनका पुत्र भी है काफी बड़ा, टीनेजर पुत्र है, लेकिन वो आज तक अपने पिता पर अपने जीवन यापन के लिए आश्रित है, कोई काम नहीं करते। तो अब पिता उनको सपोर्ट करते हैं तो आलसी बना दिया ना बच्चे को, उसको पता पिता के पास पैसा है, पिता मेरा बैंक है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है, जो भी जरूरत है पिता चेक देगा। तो गलती हुई नहीं हुई, तो अब वो बच्चा आलसी हो गया, अब उसका खुद का बच्चा इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी वो काम नहीं करता। तो इसीलिए कई बार मदद का दुरुपयोग भी होता है, आप मदद करते जाओ लोगों की, वो सोचते हैं इनसे तो मिले जाना है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसलिए इसमें थोड़ा बुद्धिमत्ता से उपयोग करना पड़ेगा, मदद कैसे की जाए। और कई बार मदद को पाप कार्यों में भी लगा दिया जाता है, आप जैसे किसी को भिक्षा दो वो नशा खरीद कर से, तो अब आपको भी पाप लगेगा क्योंकि आपकी मदद से नशा किया उसने। तो इसलिए थोड़ा इसीलिए इसे भक्ति के साथ जोड़कर करना चाहिए। ठीक है जी, पीछे से। तो भिखारी को तो कभी पैसे ना दे, प्रसाद दीजिए, भोजन दीजिए, पेट भरिए उनका। और अगर आप जानते हैं कि ये जेन्युइन है, दुरुपयोग नहीं करेगा, सच में इसकी आवश्यकता है, तो ठीक है। पर सामान्यतः हम प्रसाद वितरण करते हैं, जैसे हम ट्रेवल भी करते हैं तो अपनी गाड़ी में रखते हैं प्रसाद, ड्राइव कोई भी रेड लाइट पे गाड़ी मिलता है उसको प्रसाद देते हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा, बोलो बोलते हैं हरे कृष्णा, फिर प्रसाद देते हैं। तो इस तरह से भगवान का नाम भी बुलाते हैं और हरे प्रसाद देते हैं। हाँ माता जी, हाथी को नहलाने का मतलब होता है हाथी जब नहा के आता है फिर रेत ऊपर डाल लेता है ये तो हाथी को नहलाने का मतलब है। अब अर्थाप निकाल लीजिए इसका, प्रियजनों की सहायता नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी सहायता यही है कि उन्हें भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाओ, उन्हें जीवन का मूल्य समझाओ, यही सबसे बड़ी हेल्प है संसार। और ये हेल्प कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ पेट कैसे भरना यही सिखाया जा रहा है। लेकिन पेट भरा क्यों जाए, कैसे नहीं, क्यों भरा जाए, ये कोई नहीं सिखाता। कि शरीर को मेंटेन क्यों किया जाए, किस पर्पस के लिए, ये कोई नहीं सिखा रहा। आज ये मदद करनी चाहिए हमें, पूरे संसार की करनी चाहिए। हरे कृष्णा।